शुभम के मार्ट पलारी और मैं जो अपना मास्क का है घर पे भूल गया, मैंने घर पे ढूंढने की कोशिश की बट नहीं मिला, तो अभी मैंने जो अपना रुमाल है उसको मास्क के तौर पे यूज़ किया। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जब भी आप बाहर जाते हैं मास्क प्रॉपर लेके चले। और अभी हम आ गए हैं शुभम के मार्ट पे फर्स्ट फ्लोर पे। अभी मेरे साथ हैं यूरो दादा और भी है मेरे साथ सूर्या दादा। वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या कुछ हमारे लायक है देखते हैं। अभी मुझ में जो श्रद्धा भक्ति का भाव है थोड़ा थोड़ा जाग उठा और मैं अपने लिए ले रहा हूँ रेनबो अगरबत्ती पूजा पाठ करने के लिए। बहुत टाइम से मैंने पूजा पाठ नहीं किया, बहुत टाइम से मैंने पूजा पाठ है उसको छोड़ दिया है। अभी हम लिस्ट बना रहे थे हमें क्या क्या प्रोडक्ट लेना है क्या क्या नहीं लेना है। यहाँ पे एक सुंदर बच्ची दिखी जो काफ़ी क्यूट है, काफ़ी सुंदर है। जो टेबल है काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस टेबल की जो प्राइस है शायद तक 3700 के आसपास आई इस टेबल की। और ये कुछ चेयर वगैरह, यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह भी आए थे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर सुंदर कप यहाँ पे लगे हुए हैं। मेरे मन में एक ही ख्याल आता है कब इसमें वाइन की कप। अभी हमने अपना सारा सामान खरीद लिया है, मैंने अपने लिए बॉडी परफ्यूम लिया और अगरबत्ती लिया है रेनबो। और अभी हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे कुछ सामान वगैरह देखते हैं कुछ खरीदने लायक। और अभी हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर में आपको खाने पीने का जो सामान है ग्राउंड फ्लोर में आपको मिलेगा। इसे तो आप देख के समझ ही गए होंगे ये है नारियल का फल। इसकी जो प्राइस है 47 रुपए के आसपास है। अगर आपका भी जो सर का बाल है मेरी तरह पक रहा है तो आप सरसों का तेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी फायदा हुआ, जो बाल है पकना बंद हो गए हैं। अभी हम अपना जो सामान है उनका बिलिंग कराने यहाँ पे पहुँच चुके हैं काउंटर पे। हमने बिलिंग करा लिया, आज हमें 2 बिल मिला है। अभी कुछ ऑफर चल रहा है, तो अभी जो ऑफर चल रहा है यह है कि आप जितना खरीदो उतना मुफ्त पाओ। तब जैसे ही आप काउंटर पेमेंट करेंगे काउंटर से बाहर निकलेंगे आपको एक काउंटर दिखेगा, वहाँ पर आपको जो डबल बिल दिया जाता है उनमें से एक बिल है वहाँ पर डालना है। अभी हम खरीदारी करके बाहर आ चुके हैं, आप भी जो अपना लक है एक बार आजमा के ज़रूर देखें। तो अभी हम चलते हैं पलारी अंदर की ओर, मैं आपको पलारी का जो नज़ारा है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है पलारी का नाइट व्यू, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है ये। यहाँ पे है चारों दिशाओं में रास्ता, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं वीरू दादा के घर, भांजे लोग का फोटोशूट करने के लिए करते हैं कुछ 2-4 फोटोशूट। तो अभी हम भाई के घर से जा रहे हैं और भी कुछ सामान वगैरह हमें रास्ते में लेने हैं। और यहाँ पे मेरा जो गाड़ी है बाहर मैंने खड़ा करके अंदर गया था। ये हम आ गए हैं न्यू बस स्टैंड पलारी, यहाँ पे हम चिकन ले रहे हैं। वीरू दादा आज हमें पार्टी दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दादा है जो खूब जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारा जो खाना है और चिकन है दोनों एक साथ बन चुका है और अभी हम बैठे हैं खाने, और खाना है उसको सूर्य भाई ने बनाया है। अगले दिन हम लोग जाने वाले हैं मॉर्निंग में फोटोशूट के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक